पर गोंडा से है। आपको बता दें यहाँ पर 21वीं सदी की सीएचसी का हाल बेहाल है। यहाँ पर रोशनी नहीं है और टॉर्च के उजाले में यहाँ पर मरीजों को इंजेक्शन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। और जनरेटर के तेल में हर महीने खर्च होते हैं लाखों रुपए, फिर भी सीएचसी में रात में अंधेरा रहता है। और सीएचसी पर डीएम की छापेमारी बेअसर साबित हुई है और व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें गोंडा से खबर है जहां पर सीएचसी के हाल बदहाल हो गए हैं। यहां पर रोशनी नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, इस वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर टॉर्च की रोशनी में ही ऑपरेशन किया जा रहा है। तो सीएचसी पर डीएम की छापेमारी बेअसर साबित हुई, व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने में डीएम नाकाम साबित हुए हैं। तो गोंडा में 21वीं सदी के सीएचसी का हाल बेहाल है, बिजली नहीं है, टॉर्च की रोशनी में तो सब होता है और डीजल के अभाव में खड़ा सीएचसी बेहाल हो गया है और प्रसूता महिलाओं को उठानी पड़ती है दिक्कत। और मोबाइल से रोशनी में तो सबका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर देखने को मिली है। और आपको बता दें सीएचसी में रात में अंधेरा रहता है और कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। तो गोंडा से खबर है, आपको बता दें यहाँ पर सीएचसी के हाल लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर टॉर्च की रोशनी में प्रसव करवाया जा रहा है। राजेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और बड़ा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्या वजह है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही? बिल्कुल मनीष, आपको बता दें कि जिस तरह लगातार डीएम छापेमारी कर रहे हैं, सीएसटी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सीएसटी है गोंडा की, वहाँ की जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो हालिया वीडियो आया है, ये तरफगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहाँ पे आप देख सकते होंगे साफ तौर पर कि यहाँ पे जो महिलाएं आती हैं प्रसव के लिए, उनकी जो डिलीवरी है वो टॉर्च की रोशनी में कराई जाती है, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई जाती है, जबकि वहाँ पे जनरेटर भी लगा हुआ है। लाखों रुपए की लागत से यहाँ जनरेटर भेजा गया, लेकिन जनरेटर में तेल डालने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पैसे नहीं है, जबकि लाखों रुपए का तेल जो है वो हर महीने सीएसटी में भेजा जाता है ताकि जनरेटर चलाया जाए जब लाइट ना हो, और इसके बाद उसमें महिलाओं की डिलीवरी कराई जाए। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से ये चीजें सामने आई है, रामपुर टेंगरहा की महिला थी जो डिलीवरी के लिए आई थी आशा के साथ, और वहां पे इस तरह के हालात थे कि वहां पे पूरा अंधाकुप पड़ा हुआ था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो आपको बता दें यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल फेल साबित हुई हैं। आपको बता दें एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ऐसे यहाँ पर टॉर्च की रोशनी में ही प्रसव करवाया जा रहा है। तो आपको बता दें सीएचसी के हाल बेहाल हो चुके हैं, यहाँ पर जनरेटर है लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक महिला प्रसव करवाने के लिए पहुंची भी, लेकिन सीएचसी में हाल बेहाल हो चुके हैं और यहाँ पर बिजली भी नहीं है और इसीलिए टॉर्च की रोशनी में ही यहाँ पर प्रसव कराया जा रहा है। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। तो गोंडा के सीएचसी की ये तस्वीरें हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।